भाई गलती से तो आरसीबी का एक सीजन ढंग का जा रहा था, पर इन केकेआर वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो आईपीएल कैंसिल करवाया और अब बुरी तरह हराया, बस 10 ओवर में हरा दिया। ऐसी भी क्या जल्दी थी भाई, बाकी बचे हुए 10 ओवर को अगले मैच में यूज करोगे क्या? इस आईपीएल सीजन की सबकी फेवरेट टीम, जिसको हर कोई खेलता और जीतता हुआ देखना चाहता है, पर पहले मैच में क्या किया? हक दिया। और काफी लोग पूछ रहे हैं विराट भाई ने आरसीबी की कैप्टेंसी क्यों छोड़ी। भाई ऐसी क्या दिक्कत थी इसी टॉर्चर से बचने के लिए? अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। भाई 11 प्लेयर्स छोड़ो, अगर आरसीबी की टीम 50 प्लेयर्स के साथ भी खेलेगी ना, तब भी वो दो प्लेयर्स पे ही डिपेंड रहेंगे, विराट और एबी। मतलब हद है यार, एक तो विराट भाई ने गलती से तो टॉस जीता और ऊपर से पूरी आरसीबी टीम ने उस पे मूव दिया। और ये आरसीबी पता नहीं भाई किस फंडे से खेलती है, या तो मारेगी 200 या फिर 100, इनको 100 से 200 के बीच वाली गिनती आती ही नहीं है। पर आरसीबी के फैंस आरसीबी की इस परफॉर्मेंस के बाद काफी कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा 92 पे आउट हो गए इस बात का दुख मनाए, या फिर 49 की तरह कोई अतरंगी रिकॉर्ड नहीं बनाया इस बात की खुशी। और भाई आरसीबी के लिए मैच का बाकी दुख तो एक तरफ, पर एबी भैया का 0 पे आउट होने का दुख एक तरफ, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है श्री श्री गौतम गंभीर जी को। मैच से पहले भाई साहब ने प्रेडिक्शन करी थी इस मैच में सबसे ज्यादा छक्के एबी डिविलियर्स मारेंगे, फिर क्या एबी भैया को 0 पे आउट होने से भगवान भी नहीं रोक सकते थे। आजकल के प्लेयर्स मौत से इतना नहीं डरते जितना गंभीर भाई की प्रेडिक्शन से। भाई वैसे तो विराट भाई को काफी प्लेयर्स ने दर्द दिया, लेकिन काइल जेमिसन जैसा दर्द किसी ने नहीं दिया, चाहे न्यूजीलैंड के लिए खेले या फिर आरसीबी के लिए। और भाई परफॉर्म तो तब करेंगे ना जब भाई का क्रिकेट में ध्यान होगा, यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लो। जेमिसन कमी ने 15 करोड़ ग्राउंड पे परफॉर्म करने के लिए दिए थे, ग्राउंड के बाहर नहीं। पर आरसीबी वालों थोड़ा सीरियस हो जाओ, अच्छे भले सीजन की ऐसी तैसी ना करो, वरना जैसा तुम्हारा रन रेट है बाकी टीम्स पॉइंट्स टेबल से बाहर फेंक देगी। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।